नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छत के ऊपर पानी का ओवरहेड टैंक किस दिशा में सबसे अच्छा माना जाता है और सही दिशा में पानी का ओवरहेड टैंक होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, कहाँ पर क्या कमी होती है, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा, बारीकी से बताना चाहूँगा। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे अच्छा पानी का ओवरहेड टैंक वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस जोन में आप पानी का ओवरहेड टैंक बना सकते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट में भी पानी का ओवरहेड टैंक बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका साउथ वेस्ट जोन सबसे ऊँचा होना चाहिए। अब ये तो होगी सबसे अच्छी दिशाएं पानी के ओवरहेड वाटर टैंक की, लेकिन पानी का ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में आ जाता है और फिर भी तकलीफ क्यों होती है? आपने पानी का ओवरहेड टैंक सही दिशा में रखा हुआ है और फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? आपने उसके बारे में सोचा है? सोचो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो और विचार करो। आपने पानी का ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट जोन में, वेस्ट जोन में रख दिया, लेकिन जब आप उसके अंदर पानी भरते हैं तो पानी के टैंक से पानी ओवरफ्लो होकर छत के ऊपर बहता है, गीला होता है, तो उसके कारण आपके घर के अंदर कई प्रकार की परेशानी आती है। किस तरह की परेशानी आती है? हेल्थ इश्यूज बनते हैं, फाइनेंस लॉस होने के कारण बनते हैं, पैसे का नुकसान होता है और आपके काम भी समय पर पूरे नहीं होते। आपने ध्यान रखना, आपके यहाँ छत के ऊपर पानी की टंकी से पानी ओवर फ्लो होता है तो उसे आपने सही कराना है। आपके यहाँ छत के ऊपर से पानी ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए। आप उसको सही करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान भी जरूर हो जाएगा। जब आप ये काम करें तो इसके साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, छत के ऊपर यदि काई जमी हुई है तो उस काई को भी आपने अच्छे तरीके से क्लीन कराना है, छत बिल्कुल साफ सुथरी करवानी है। ये काम आप अपने यहाँ पर जरूर करें। पानी की टंकी से लीकेज भी नहीं होनी चाहिए। पानी के जो पाइप्स हैं यदि उनमें से भी लीकेज होती है तो उनको भी सही जरूर कराएं। आपने अपने यहाँ पर छत के ऊपर पानी की टंकी के साथ सॉफ्टनर रखवाया हुआ है तो उसका भी ध्यान रखें, वहाँ से भी पानी लीक ना हो, वो पानी छत के ऊपर ना बहे। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने घर की छत के ऊपर जो पानी का ओवरफ्लो होता है उसको बिल्कुल बंद करें। आपकी छत बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, कहीं से कोई लीकेज छत के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। मैंने आज आपको ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में जानकारी दी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का ओवरहेड टैंक किस दिशा में होना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसे पढ़कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप अपनी साइट के प्रति ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का मैप लेआउट भेजकर सलाह भी ले सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।